नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल शिखर प्रजापति पर। आज पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम बुलंदियों पर पहुंचाती जा रही है। आज वो फील्ड हो बिजनेस की, साइंस की, हेल्थ की, आर्ट्स की या मैनेजमेंट की, या फिर वो गेम्स, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं हमारे हिंदुस्तानी महिलाएं, महिलाएं जो भारत को आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन 12 ग्रेटेस्ट महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में रोशन कर दिया है। एनी सिन्हा रॉय, इन्हें इंजीनियरिंग ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। एकमात्र ऐसी महिला जो सुरंग इंजीनियर हैं। एनी सिन्हा रॉय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में प्रोजेक्ट सीनियर रेजिडेंट इंजीनियर हैं। वे देश के एकमात्र महिला सुरंग इंजीनियर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर एनी ने 2009 में चेन्नई मेट्रो और बाद में 2015 में बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ काम भी किया। उन्होंने गोदावरी नामक सुरंग मशीन को अकेले ही चलाया और मुंबई की मीठी नदी के नीचे मुंबई मेट्रो के लिए बनाई जा रही 190 मीटर लंबी सुरंग तैयार की है। उन्हें 2018 में इंजीनियर ऑफ द ईयर का सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। नीना गुप्ता, 70 साल पुरानी गणित पहेली इन्होंने सुलझा दी। एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में शानदार कार्य के लिए नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 रामानुजन पुरस्कार भी दिया गया है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला और चौथी भारतीय हैं। उनके द्वारा हल किए गए सवाल को हाल के वर्षों में कहीं भी किए गए बीजगणितीय ज्यामिति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कठिन सवाल 1949 में ऑस्कर जॉरिसिकी ने प्रस्तुत किया था। मुग्धा कालरा, सोशल वर्कर और साथ ही पत्रकार भी। मुग्धा का बेटा माधव ऑटिस्ट है। भारत के लोगों में इस बीमारी के बारे में कई भ्रांतियां हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ही सेंटर में रखकर एक कॉमिक्स बुक्स तैयार की जिसके जरिए वे लोगों को इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के प्रति जागरूक लगातार कर रही हैं। ऑटिज्म एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है जिससे बच्चों को लोगों से मिलने जुलने और अपनी बात कहने में थोड़ी दिक्कत आती है। मुग्धा ऑटिस्ट बच्चों को बड़ा करने के अनुभव पर ब्लॉग, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। मुग्धा को बीबीसी ने दुनिया की 100 महिलाओं की सूची 2021 में स्थान दिया है। वंदना कटारिया, ओलंपिक की भारतीय हॉकी स्टार। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 31 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया। उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ मैच में हैट्रिक भी लगाई। वो ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। स्मृति मंधाना, साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। स्मृति मंधाना को आईसीसी ने 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। 2013 में 150 गेंदों पर 224 रन बनाकर स्मृति वनडे में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी दुनिया की बन गई थी। उन्हें भारतीय टीम का भावी कप्तान भी माना जा रहा है। प्रभा बेन शाह, जो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने हर आपदा में क्लोथ बैंक बनाया। प्रभाबेन को हाल ही में 92 इयर्स की उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए स्कूल कैंटीन चलाने में जीवन अपना दोस्तों समर्पित कर दिया। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से लेकर हाल ही में केरल में आई बाढ़ जैसी आपदा तक उन्होंने कई मौकों पर जरूरतमंदों के लिए क्लोथ बैंक चलाए। जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा था तब प्रभाबेन 12 साल की ही थी और इस अभियान से वे जुड़ गई थी। वे बारदोली के स्वराज आश्रम से भी जुड़ी रही। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने कई महीनों तक जूट से बने बिस्तरों का ही इस्तेमाल किया था। आयशा नाजिया, फीफा के मास्टर प्रोग्राम में चयनित की गई। इन्होंने खेल प्रबंधन में नई राह खोल दी हमारे भारत के लिए। केरल की आयशा फीफा के मास्टर प्रोग्राम के लिए चुनी गई एकमात्र भारतीय महिला है। उन्होंने भारत में खेल प्रबंधन क्षेत्र में महिलाओं के लिए नया रास्ता बना दिया है। फीफा मास्टर के लिए 30 देशों से 30 लड़कियों का चयन हुआ है। इसके लिए दुनिया भर से 700 आवेदन आए थे। फीफा मास्टर्स प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आयशा ने क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाया। वे भारत में फीफा अंडर 17 विश्व कप के उद्घाटन में वर्कफोर्स मैनेजर रही है। रेवती अद्वेती, सीईओ फ्लेक्स, वेंटिलेटर की सबसे बड़ी निर्माता।
54 इयर्स के रेवती के नेतृत्व वाली फ्लैक्स लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी है। कंपनी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही। जब वेंटिलेटर की कमी थी तब कंपनी ने 8 महीनों में 50,000 वेंटिलेटर्स बनाए। इस तरह ये दुनिया की सबसे बड़ी नॉन कैपिटल निर्माता कंपनी बनी। कंपनी ने पेशेंट मॉनिटर ऑक्सीजनेटर सहित परीक्षण उपकरण बनाना भी शुरू कर दिए। कंपनी के 30 देशों में 1,60,000 एम्प्लॉइज हैं। फॉर्च्यून मैगजीन उन्हें सबसे पावरफुल सीईओ की सूची में भी रखा है। मीना गणेश को फाउंडर पोर्टिया मेडिकल 3 लाख लोगों को घरों में इलाज दिलवा दिया। कोविड के दौरान इनकी कंपनी ने देश में 4 लाख से अधिक कोविड रोगियों की देखभाल की है। इसमें 3 लाख लोगों को होम आइसोलेशन में इलाज भी मुहैया करवाया। 2.5 लाख से अधिक डॉक्टरी परामर्श दिए। 12 लाख से अधिक फॉलो अप कॉल आइसोलेटेड रोगों के लिए किए गए। दूसरी लहर में जब अस्पतालों में बिस्तर और आईसीयू की भारी कमी थी तब भी इनकी कंपनी ने इससे निपटने के लिए कोविड रोगियों के लिए होटलों में आइसोलेशन सेंटर्स बनाए और उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया। इनकी कंपनी फिलहाल देश के 29 बड़े शहरों में काम कर रही है। निधि सुनील वोग मॉडल ऑफ द ईयर। लॉरियल पेरिस का भारतीय चेहरा। केरल में जन्मी निधि सुनील उन लड़के लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो सांवली त्वचा की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती है। वे 2021 में वोग इंडिया का मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी है। वे भारत की पहली ऐसी डार्क स्किन मॉडल हैं जिन्हें लॉरियल पेरिस ने ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। निधि ने लॉ की डिग्री हासिल की और वकील के रूप में काम कर चुकी है। वे मॉडलिंग में रंगभेद के खिलाफ भी आवाज उठाती रही है। प्राजक्ता कोहली यूट्यूबर पहली यूएन जलवायु चैंपियन। प्राजक्ता को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनाया गया है। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के जरिए मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए योगदान पर उन्हें ये उपाधि दी गई है। वे डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर और यूट्यूबर भी हैं और अपने यूट्यूब चैनल मॉस लिसेन से पहचानी जाती हैं। उनके चैनल पर 65 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वे यूट्यूब की क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं। लीना नायर फॉर्च्यून इंडिया में मोस्ट पावरफुल वुमेन। शनेल की पहली भारतीय सीईओ लीना नायर दुनिया के दिग्गज फैशन ब्रांड शनेल के ग्लैमरस ऑफिस में ग्लोबल सीईओ हैं। अब एक कंपनी के दुनिया भर में काम करने वाले 28,000 कर्मचारियों की अगुवाई करती हैं। उन्होंने 30 साल पहले हिंदुस्तान लीवर में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू करा था। यूनिलीवर में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के पद तक वो पहुंची। वे यूनिलीवर की पहली महिला, पहली एशियाई और सबसे कम रूम की CHRO थी। फॉर्च्यून इंडिया ने मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में भी इन्हें शामिल करा है। सो फ्रेंड्स, ये वो कुछ चंद महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान को लगातार आगे पहुंचाने में एक ग्रेट रोल अदा कर रही हैं और इनके साथ साथ हर महिला अपनी अपनी फैमिलीज को, अपने अपने लोगों को लगातार कंटिन्यूसली सपोर्ट करती जा रही है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। तो एक ग्रेट सैल्यूट सभी महिलाओं के लिए फ्रेंड्स, बनता ही बनता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियो भारत की उन लेडीज पर अच्छा लगा जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को लगातार आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें, हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियोस लगातार 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 मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।